हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में बताना चाहते हैं हम आप लोग को कक्षा आठवीं की गणित। कक्षा आठवीं की अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं छात्र तो जरूर देखें, पूरा वीडियो देखना है। इस वीडियो में बताएंगे हम आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण जी आपका पाठ दो या अध्याय दो से संबंधित है, चैप्टर दो, उसका नाम है आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण। अगर जिसे समीकरण हल करना नहीं बनता तो इस पाठ का सवाल आते ही आपके 6-7 नंबर में जरूर क्वेश्चन आता है, पूछा जाते हैं, सवाल आते हैं जरूर हैं। तो दोस्तों आपसे इसे पूरे बनना चाहिए तो आपको इसे कंप्लीट करने चाहिए, इससे विकल्प भी बनते हैं, ऑब्जेक्ट भी 2-3 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये अध्याय अच्छे से कम्प्लीट कर लें, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर में आएगा या 2 में या 3 में पूछा जाएगा, तो विकल्प आपके 2-3 नंबर के यहाँ से बनेंगे। तो भैया यार वीडियो पूरा देखना, लास्ट तक देखने, आपको समीकरण कैसे हल करते हैं हम सब बताएंगे आपको पूरी जानकारी सहित। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। चलो चलते, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताएं हम आपको समीकरण एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, तो इनका नाम कैसे रखा गया एक चर वाले समीकरण। तो वैसे ये स्पष्ट है कि समीकरण तो इसको एक चर वाले कैसे बोला गया। तो देखो यार, समीकरण अगर आपको बिल्कुल भी पता नहीं, कुछ नहीं पता, तो भैया वीडियो पूरा देखना और लास्ट तक जरूर देखें वीडियो, जब आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। तो समीकरण क्या होता है भैया, समीकरण समीकरण को क्या होता है, समीकरण चर और अचर राशियों से मिलकर बनता तथा मध्य में समता का चयन होता है। कैसा ऐसा समीकरण है, ऐसा समीकरण है जिसके ऐसा समीकरण है जिसमें क्या होते हैं, जिसमें जिसमें दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं और उनके मध्य में समता का चिन्ह होता है। क्या होता है, समता का चिन्ह होता है इस रूप को समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इस रूप को समीकरण कहते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले बात है, यहाँ पर एक परिभाषा डेफिनेशन बना ली इसको समझने के लिए। ऐसा समीकरण दो पक्ष होते हैं, उसमें दो पक्ष, दोनों पक्ष में क्या होगा, चर और अचर मतलब बीजीय व्यंजक हो, दोनों पक्ष में बीजीय व्यंजक हो सकत, एक पक्ष में बीजीय व्यंजक हो, एक पक्ष में अचर पद हो मतलब अचर राशियां हो, एक दोनों पक्ष में क्या होना चाहिए, चर और अचर राशियां होनी चाहिए, ठीक है, चर या अचर। तो भैया दोनों पक्ष में क्या होते हैं अर्थात देखो इस रूप को समीकरण कहते हैं। पहले हम इसको दो पक्ष देखते हैं, जैसे एक पक्ष होता है आपका, जैसे समीकरण में दो पक्ष होते हैं, हम समीकरण को बना ले, समीकरण इस प्रकार से डिनोट कर रहे हैं, ऐसा लिखते इसके दो पक्ष तीन जने होते हैं, जैसे यहाँ पर एक बना ले हमें ऐसा, एक तो उसमें एक दाएं पक्ष होता है, एक बाएं पक्ष होता है, बीच में मध्य में कहलाता समता, समता को बोलते अपन दूसरे नाम से जानते हैं, प्रचलित जो नाम है क्या इसका बराबर, इसको दूसरा नाम, इसको सम का भी बोला जाता है, क्या सम का भी कुछ भी बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं है। समता या समका का चिन्ह क्या होता है, ऐसा होता है दो परिडंडा मतलब ऐसा दो बराबर की सज्जन, इसको दो डंडे बराबर बराबर रहते तो इसको बोलो बराबर, लेकिन समता समता का अर्थ होता है दोनों में समानता, मतलब दोनों में समानता बनाए रखना। तो समीकरण में दोनों में समानता बनाए रखने का जो काम करता है, तो देखो इस समीकरण में क्या होता है, दो पक्ष होते हैं तो आप बताओ इसमें दो पक्ष होते हैं तो जे कौन सा पक्ष है, अगर जे बाया पक्ष होगा, जे बाया पक्ष होगा तो जे क्या होगा, दाया पक्ष, ठीक है, एल एच लेफ्ट माने बाएं, तो इसको हो जाता है एल एच एस, और राइट माने दाएं होता है, शायद देखने ना उल्टा ना हो गया हो कुछ नहीं, लेकिन अपने पक्ष तो दो ही रहते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, बायां पक्ष बराबर क्या हो, बायां पक्ष
बायां पक्ष बीच में समता का चिन्ह रख दिया जाता है और दायां पक्ष, बायां और दायां में क्या, ठीक है, बायां और दायां, तो बायां पक्ष और दायां पक्ष, तो इनमें देखो इनको या इनके दाएं पक्ष बाएं पक्ष में क्या होता है, जो बीच में इस रूप को जो ऐसे लिखी चीज होता है जो ऐसे लिखी, तो इस रूप को बोला जाता है समीकरण। मतलब दोनों पक्ष में क्या होता है, पक्ष में बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में क्या होता है, बाया पक्ष लिख दो अर्थात दाया पक्ष, सॉरी बाया पक्ष, बाया पक्ष, बाया पक्ष, दाया पक्ष और बाया पक्ष, दाया बाया पक्ष और दाया क्या लिख दें, दाया पक्ष बाया पक्ष में बीजीय व्यंजक होते, क्या होते, बीजीय व्यंजक होते, दोनों पक्ष में क्या होते हैं, जैसे सीधे दोनों पक्ष में बीजीय व्यंजक होते हैं, जो लिख दो सीधा, अगर आपका जो नहीं लिखने तो लिख दो, दोनों पक्ष में क्या होता है, दोनों अर्थात दोनों पक्षों में चर और चर राशि होते, क्या होते, चर, दोनों पक्षों में चर हुआ अचर राशियां होती है, चरो चर राशियां ये वही कहा होती है, जो चरो चर राशि से उसका पद बने, जैसे हमने तो बीजी व्यंजक की बात एक ही है जी, चार और चार राशि से मिलकर क्या बनता है, बीजी व्यंजक, ये दोनों को हटा यहाँ पर बीजी व्यंजक भी लिख सकते, बात एक ही है, तो बीजी व्यंजक जैसे चार और चार राशि मिलाओ, चार तुम्हारे कहलाते हैं, चार बोलते हैं किसको, चार जिन ईबीसीडी के अक्षर होते हैं उनको बोला जाता है, पूरे ए से लेकर जेड तक के ये सभी क्या कहलाते हैं, जेड एक्स वाई जेड तक पूरे अक्षर कहलाते हैं चारों, अचर को क्या बोला जाता है, अचर राशि कैसे है, अचर राशि कहलाते हैं संख्या, बोली संख्या पूरे यज्ञ बोलो, संख्या जितने होते सभी क्या कहलाते हैं आपके अचर। तो देखो अब आपको ऐसा एक रूप दे दे, हम अपने यहाँ बोले 3x, ऐसा लिख दे 3x, हम x छोटा सा दे, x प्लस के 4 और इस पक्ष में एक आठ धा दे, तो जी ऐसा बोलेंगे, इसको बोलेंगे समीकरण, क्या बोलेंगे, समीकरण। लेकिन बीजी व्यंजक में तो क्या होता है, घाते में कौन में घाते आ जाती है, डबल आ जाती ना, तो उस प्रकार फिर नाम रखते हैं अलग अलग, तो इसको पूरे को इकट्ठा, अगर नाम याद ना तो पूरे को क्या बोल देते, समीकरण, जिसमें बीच में समता का चिन्ह, उसको क्या बोलेंगे, समीकरण। ये समीकरण है, लेकिन कौन सा समीकरण है, समीकरण के ही प्रकार हो, ठीक है, समीकरण के ही प्रकार हो, जिसमें समीकरण को जैसे बुलाया जाता है चर के, चर से संबोधित, इसने किया क्या, चर से एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखो अगर चर पे घात एक है, चर पे घात अगर एक है, इस पे घात कुछ नहीं, तो चर एक है तो इस पे घात हो जाएगी ए और प्लस वाई बा प्लस 4 बराबर 8 ऐसा, तो जिसमें देखियो एक घात है, तो इसको जैसे इसी को ले लो, इसमें चर की घात कितनी, एक है, इसको बोलेंगे एक, क्योंकि इसमें एक चर है, अगर इसमें दूसरा चर वाई होता तो 2 चर लिख देते, यहाँ पर एक और चर होता तो इसमें एक चर और 2 चर हुआ तो 2 चर बोलते, इसमें एक ही चर है तो इसको बोलेंगे एक चर वाले, क्या, एक चर वाले, वैसे ही जैसे को की दूसरे गांव को उसको बोलते उस गांव वालों, जो गांव के जैसे हम छतरपुर वाले हो गए, ठीक है, नोवा वाले, ऐसे तो जे गाँव वाले एक्स वाले, तो मतलब एक चर वाले, इसमें एक ही चर है, लेकिन इसमें क्या है, एक चर एक्स चर वाला भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें एक चर है, मतलब सिंगल चर है, एबीसीडी का एक ही अक्षर, तो बोलेंगे एक चर वाले, चर वाले इसकी घात कितनी, रैखिक, तो इस घात को बोलते हैं रैखिक, एक घात को बोलते हैं रैखिक, तो जे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब आपको इसमें पूरे अध्याय पढ़ने हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण, आपको हर में चार जैसा समीकरण है उसमें चर की घात हमेशा एक ही रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, ऐसा ही आएगा, जैसा नहीं आ जाएगा, इसमें एक्स घात दो हो जाएंगे तो आपका समीकरण बदल जाएगा, नहीं अगर इसमें समीकरण इसमें घात दो आ जाए तो ये दो चर, सॉरी एक ही चर वाला कहला है, एक चर वाला द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, क्योंकि इसमें दो घात है एक चर है, क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्विघात, एक चर वाला द्विघात समीकरण, एक चर वाला द्विघात समीकरण हो जाएगा।
अब इसमें दो चार, जिसमें दो चार आ जाए भैया, जैसे 2x प्लस के 3y बराबर 4 ऐसा आ जाए। इसमें एक और दो चार हैं घात, तो हमारे इसमें एक ही है, दो चार वाले क्या हो जाएगा, दो चार वाले द्वि घात समीकरण, दो चार वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें घात तो रैखिक ही है। अब उसमें तो घात दो थी, उसको दो चार बा एक चार वाले द्वि घात समीकरण बोल दिया। इसमें दो चार है लेकिन एक एक घात है, एक एक घात इनकी है, तो दो चार वाले रैखिक समीकरण बोल दिया। क्या बोलेंगे, तो समीकरण को बहुत से प्रकार में से बांटा जाएगा, जितनी घात बढ़ते जाएंगे वैसे नाम रखते जाएंगे। मैंने आपका क्या है, इसमें एक चार वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है, पाठ के नाम हमें बता दे समझा दिया कैसे समीकरण आएंगे आपको। उसमें एक चर आएगा, पूरे एक चर मिलेंगे चार, जैसे समीकरण आ जाए, जैसे आपको वाई प्लस के दे दे 8/3, तो जिसमें एक ही समीकरण एक ही है वैसा दे दे, तो एक ही चर है, तो ये आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपका चर बदले रहे, चर बदलते रहेंगे लेकिन एक ही चर रहेगा। जैसे आपको ऐसा आ जाए x प्लस के 2, तो ना दे दे आपको, जैसे 3x कर दो ना दे दे आपका 4x प्लस के। अब जी मत कहना कि इसमें दो चार है, दो जगह चार भले ही है लेकिन एक ही चार है, एक ही छह चार है जो x का है, जो भी x है लेकिन एक ही चार, छह जगह लग जाए अभी कहाँ है, एक ही आदमी, ठीक है। अब जी तो एक्स था, जी वाले तो हो आ रहे, तो यहाँ भी एक ही आदमी है, तो का एक ही नाम समूह वही यहाँ बुला भी का कर भी अलग बुला भी अलग तरीके से बुला भी ना अलग नाम ले भी का नहीं ले सके ना भी खुदा ही है जी। एक्स होते हैं तो एक्स होता ही है, जैसे आप कोई भी हो, जैसे तुम देते भाई और तरह दे थोड़ी और वहाँ पहुँच जाओ तो बोला भी तुम्हारे नाम ही से वही नाम से, तो एक आ जी समीकरण आ तो एक ही चार वाला में एक ही चार है, दो चार हो तब बोले दो चार देखेंगे तो दूसरा चार आएगा उसमें अलग से, जैसे एक्स इसमें इसमें वाई आ गया दूसरा चार, अगर इसके बदले यहाँ पर एक्स होता तो ये कहलाता एक ही चार में, क्या कहलाता एक ही चार, क्या कहलाता बोल देंगे एक चार वाला रैखिक समीकरण, इसको क्या बोलेंगे एक ही चार वाला रैखिक समीकरण बोलेंगे। काय बोलेंगे क्या, इनमें एक ही चार है एक्स अलग नहीं है, कौन दूसरा चार आ जाए तो अलग, तो बोलते दूसरा चार दो चार वाला दो चार वाला रैखिक समीकरण बोल देते भैया, कोई गलत तो नहीं बात बोल रहे हैं। अब जैसे आपको समीकरण तो हर प्रकार के मिलेंगे, बहुत से देखने को मिलेंगे, आप उन्होंने देखे ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन देखे तो ही है। ऐसे आ जाएंगे तो जी कौन सा समीकरण है, एक ही चर वाला रैखिक समीकरण, इसमें और चर दूसरा नहीं है वही चर, यहाँ पर एक्स चर यहाँ पर भी एक्स चर है, तो वो एक्स एक चर में कहलाएगा, एक चर है तो बोलेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण, क्यों बोलेंगे रैखिक, क्योंकि इनकी खाते भी एक एक है, तो इनको रैखिक समीकरण बोल देंगे, ठीक है। अब आपको इनको हल करने के लिए बढ़ते हैं, इसमें दो चार एग्जाम्पल लेंगे हम, आपको अच्छे से समझाने का प्रयास जरूर करें जिन्हें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और बात जाए कि भैया अगर आप पूरा देखो वीडियो तो समझ समझ में जरूर आ है, अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो बिल्कुल कुछ नहीं छपेगा, और कमेंट में जरूर करके बताना आपको कैसा लगा वीडियो। तो तुम कुछ समीकरण ले रहे हल करेंगे, समीकरण हल करें, ठीक है, समीकरण हल करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन पहला ले रहे हैं 4x, छोटे से ले रहे हैं बिल्कुल छोटे से, एक्स प्लस के 1 बड़ा एक्स प्लस के 1 बराबर 8, दूसरा ले रहे हैं हम एक्स प्लस के 4 बराबर 8, और तीसरा ले रहे हैं हम आपका एक्स माइनस के 4 बराबर 18, चौथा ले रहे हैं हम आपको एक्स माइनस वाई ले लो कि चार बदल दो वाई माइनस के 8 बराबर 20, चार बदल दिया उसे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे कोई दिक्कत नहीं है। पाँचवा ले रहे हैं हम आपको आपकी टी ले रही है टी प्लस के 6 बराबर 8, आपकी 6 टी में रहे टी प्लस के 18 बराबर 30, और आपको ले लो सातवा ले लो का पी माइ पी प्लस के बराबर माइनस के 8, ऐसे भी से ले सकता, तो आठवा ले लो जेड प्लस जेड माइनस के बराबर माइनस के 12, ठीक है, ऐसे भी ले सकता कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इतनी हम इसमें बताएंगे, और दोस्तों अगर जी वीडियो देखना तो इसमें हम आपको क्या करें, इसमें आधे इसमें ले रहे हैं, और इसके अगला वीडियो बनाएंगे उसमें इस प्रकार के आगे की समीकरण डालेंगे जिसमें आपसे देखने में कोई दिक्कत ना, बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा फिर आप लोग देखते तक नहीं हो, वीडियो को पूरा नहीं देखते,
इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, इसमें जी हम इसको भाग वन बना देते हैं। जी आपको समीकरण से संबंधित है तो आपको तीन चार भाग में हम आपको पूरे समीकरण करवा देंगे पूरे। जे प्रकार के जैसे कलर के होते हैं ना सब भाग के लगवा देंगे। तो भाग वन में देखेंगे जिसको नाम देते हैं हम भाग वन, और अगले वीडियो में डालेंगे भाग टू में तो अलग प्रकार का डालेंगे, जिसके पूरा में दो रहता चर में रहता तो उस प्रकार के डाल देंगे। ठीक है, सब भाग के डाल देंगे, कोई दिक्कत मत लेना। ठीक है, पहले हम जोड़ वाले बता दें घटाना वाले, फिर आपको बताएंगे गुणा वाले, फिर बाद में बता देंगे भाग वाले जिसमें भाग में रहता। ठीक है, तो जी एक समीकरण सब हल करना है, इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में बताएंगे हम आपको कैसे करना है। आपको एक ध्यान चीज रखना है, पक्षांतर करने के नियम से या पक्षांतर कर भी तो पक्षांत समीकरण पक्षांतर कर भी पिलाने नियम रखने या पक्षांतरण करने के नियम। देखो पक्षांतर करने का नियम होता है जब आप बाएं पक्ष में रहते हो बाएं पक्ष, जब आप दाएं पक्ष में जाते हो बाएं पक्ष में, जैसे आप प्लस का है आप प्लस में जा रहे हो तो माइनस आएगा, माइनस से जा रहे क्या जाएगा प्लस में। ठीक है, और इसमें दो चिन्ह रह गए यहाँ पर, फिर लिख दे रहे हम गुणा वाला, गुणा करेंगे गुणा, गुणा का पक्षांतर करोगे भाग में। और दोस्तों यहाँ पर एक बनेगा नहीं तो क्या करें हम, यहाँ पर लिख दे भाग का कहाँ जाएगा गुणा में, एक दूसरे को उल्टे रहते वैसे तो याद रखना डायरेक्टली। देखो जब आपका प्लस चिन्ह रहेगा यहाँ पर ध्यान देना इनके ऊपर, विशेष तौर से इनके ऊपर ध्यान देना, क्या करना आपको इन पर ध्यान देना जरूर। समीकरण है आपको x प्लस का वन बराबर आठ, तो समीकरण कौन सा एक चर है एक घात है तो एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएंगे, सब रैखिक रहेंगे समीकरण। ठीक है, जब आपके पास प्लस का है देखो सबसे पहले इसमें प्लस देखना, प्लस लगो तो प्लस वाले को पक्षांतर करना चर, आपको इसमें चर राशि का मान निकालना पड़ता, चर राशि अकेली छांटनी पड़ती, मतलब इसको एक्स को अलग करना होता चर को अलग करना होता, जिसमें एक्स बराबर पता चल जाए कितना आएगा। तो ठीक है, एक्स बराबर पता कैसे करेंगे, तो भैया जिस प्लस का तुम्हारे में कोई चल अचल लिखा हो, प्लस में कोई अचल हो तो उसको दूसरे साइड भेज देंगे अचल साइड। ठीक है, तो इस साइड भेज देंगे दाएं पक्ष, मतलब प्लस का भेजेंगे तो चिन्ह बदलेंगे अपन उसका माइनस का कर देंगे। तो हम इसमें प्लस एक को क्या करेंगे पक्षांतर, क्योंकि हम उसको जे क्योंकि हमने पक्षांतर पक्षांतर करने की क्या जरूरत है, पक्षांतरण करने की क्या जरूरत पड़ेगी करने पर, तो भाई पक्षांतर क्यों किया, जे चर है जे अचर है तो जे चर कहाँ जाएगा, अब जे बताओ जे इतने अचर है इनको ना घर है अचर, एक जन इतने बैठे इनके रिश्तेदार या बोल सकते मम्मी इतने लड़का इधर बैठे तो जाएगा तो मम्मी के पास ही तो पहुंच जाएगा ना, तो मम्मी के पास जाएगा ना, तो जब जी प्लस का है तो इसको ना जाने के लिए किराया देना पड़ेगा, जिस नहर को नागना पड़ेगा, मतलब नदिया तालाब कुछ भी बोलो इसको पार करना पड़ेगा, इसको पार करने के लिए भी कुछ किराया लगता है। तो जब आपके पास प्लस में हो गए तो यहाँ पर एक कायम था प्लस में, देखो प्लस में था, जब आपके पास प्लस में था तो जी आप थोड़ी देखो रुक जाओ, इसको पहले हम जय करते हैं बिठा रहे थे ना समझा रहे, अब हमने देखो एक्स प्लस के एक को पक्षांतर कर दिया, इसको कर दिया, अब एक्स तो हमारा बचा था बराबर बचा था और आठ भी बचा था जय करते हैं, हमने प्लस एक को पक्षांतर किया, मतलब प्लस का जब पक्षांतर कर भी दूसरे साइड ले जाएगी जो कम है चिन्ह बदल भी माइनस, तो इसको प्लस को ना जाए तो चिन्ह कायम हो जाए माइनस, मतलब समझ जाओ कि आपको इस साइड से दूसरे साइड जाना है तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, उसका क्या बदल दिया प्लस का, देखो यहाँ पर माइनस हो गया, जब यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो गया, कर दिया बस माइनस, इतना ही करना और कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर देखो आठ में से एक घट रहा तो क्या बचेगा सात, तो यहाँ पर सात आ जाएगा और जी आपका समीकरण का हल हो जाएगा, आगे इसका एक्स बराबर सात आंसर, जांच करने हो तो एक्स की जगह पर सात रख दियो तो जांच हो जाए, जैसे जांच करने हो तो हमें कि हम सही है कि नहीं गलत है। समीकरण का मतलब होता है बराबर का मतलब दो हिस्सा बराबर रहेंगे, तो यहाँ पर जब तुम जहाँ पर एक्स है वहाँ पर सात रख दोगे, कहाँ पर एक्स था यहाँ पर एक्स था तो वहाँ पर सात एक तुम्हारा जैसे तो बराबर आ, यहाँ पर भी आठ आ जाएगा, सात में एक जोड़ोगे तो आठ आ जाएगा, मतलब जे दोनों पक्ष बराबर है तो तुम्हारा सही है नहीं तब गलत हो जाता है। जी जांच हो गई, यही समीकरण जो हल किया
तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक्स का ऐसा मान निकलता है जो इस समीकरण को बराबर कर देता, मतलब जो कम वर्ड नहीं है इसमें बिल्कुल फिक्स हो गया, दो तुलना हो गई बराबर है, मतलब अपना प्रिय मान सही है, बिल्कुल सही है। अब आपको क्या करना है, इसको कैसे हल करना है, बिल्कुल इसको आपको वैसे इसको क्या करना है भैया, इसमें प्लस का चार जी अचार है, चार साइड ले जाएंगे, आपको एक्स का मान निकालना, सीधा माइंड में सेट करो एक्स का मान निकालना होता, तो जब आप प्लस का चार को पक्षांतर करो, प्लस के चार को पक्षांतर करने पर क्या करेंगे, पक्षांतर करने पर प्लस के चार को पक्षांतर कर दिया, आपका बचा क्या पर है, एक्स तो चला चार तो चला गया वहां, तो एक्स चार गया बराबर बचा आठ बचा, और प्लस का चार गया तो इस साइड कह में आ जाएगा, प्लस का जाएगा तो माइनस, तो कह में अब यहाँ पर आठ में से चार घटेगा, क्योंकि आठ में से चार घट रहा है, इतना देखो तो घटाना है, आठ में से चार गया तो घटा गया बचा चार, जांच करनी तो भैया जांच कर दो, यहाँ पर कैसे करेंगे जांच, जो एक्स का मान निकाला जहां एक्स से पहले जो हल किया, तो इसको हल की एक्स का मान कितना गया चार, एक्स को क्या बोल सकते चार, तो जहां पर एक्स है उधर चार रख दो, प्लस के चार बराबर में आ, दोनों पक्ष समान आ जाएंगे, इनको जोड़ दो, यहाँ से जोड़ लो, दो अगर एक से आगे चार चार आठ, दोनों कितने आगे आठ, एक से आगे, तो मतलब आपका समीकरण भी सही है, मतलब जो आपने मान निकाला वो सही है, गलत नहीं है, अगर गलत होता तो बराबर नहीं आते, छोटे बड़े हो जाते। अब आपको क्या करना है इसको, तो इसमें भैया माइनस का, तो माइनस चार को पक्षांतर करना है, सीधा सीधा लिखा चलो माइनस चार को पक्षांतर करने पर, ठीक है, पक्षांतरण बोल सकते हैं, पक्षांतर बस, तो माइनस चार है एक्स बचा यहाँ पर, उसको बराबर बचा अठारह बचा, तो इसको मान ले जाएंगे माइनस का ले जाएंगे, तो क्या करेंगे चिन्ह प्लस का, ठीक है, प्लस का आ जाएगा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा प्लस, अठारह में चार जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा बाईस, आप इसकी जांच कर लेना, इसको क्या करेंगे, इसमें वाई चर से कोई लेने देने नहीं है अपना, सिर्फ चर को बचाए रखना और चर को माफे को, ठीक है, उस साइड, तो माइनस आठ को पक्षांतर करने पर, अपन को चाहिए अचार अलग करना और चर अलग करने, तो पक्षांतर करने पर, ठीक है, पक्षांतर करने पर बोल सकते सीधी सीधा बात है, अपन को चर को अलग, चर अलग हो गया यहाँ पर, हम अचर को मान फेंक दे रहे हैं, तो माइनस को जब माइनस को दूसरी साइड दे तो क्या बना, देखो माइनस को जब दूसरी साइड जाए प्लस में बना, तो माइनस की आठ कहाँ यहाँ से करना, मुझे प्लस आठ, मतलब बीस में जुड़ जाएंगे, बीस में यहाँ जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अट्ठाईस, इसकी भी आप लोग जांच करो, तो वैसे ही ये करने भैया तो कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, तो ये लोग आप इसका आंसर कमेंट में करना और जांच भी आप करके देख लेना, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, भाग दो में लाएंगे हम आपको, जिसमें गुणा में लगा रहता है गुणा वाले पक्षांतर, अभी बताएं हमने जोड़ और घटाना के पक्षांतर करना इस वीडियो में समझाया, अगर आपको थोड़ी अच्छा लगा हो या समझ में आया हो तो भैया एक लाइक और कमेंट, और हमारे चैनल पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम, जय राम, धन्यवाद।